तेलुराम जी क्या कहेंगे, जैसा कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के ऊपर मतलब ईडी की जो कार्रवाई की है, ईडी के इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या सरकार की क्या मंशा है इसमें? सरकार द्वेष पूर्ण भावना से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कार्रवाई कर रही है। बीजेपी को मालूम है कि कोई आदमी अगर सत्ता से बाहर कर सकता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनको सत्ता से बाहर कर सकता है, और कोई यहाँ इतना ताकतवर आदमी नहीं है। नंबर एक बात मैंने देखा है, जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं, कोई और पदाधिकारी नहीं, टारगेट सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को किया जा रहा है। क्यों? कुलदीप बिश्नोई को किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि कांग्रेस पार्टी के ये कद्दावर नेता आपको सत्ता से बाहर कर सकते हैं, बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, इसलिए द्वेषपूर्ण भावना से काम कर रही है। बीजेपी का तो इतना बुरा हाल है, कैप्टन अभिमन्यु ने हमारे हाँसी के साथ लगते हुए नारनौंद हल्के के गांव मद्दनेड़ी में हमारी छोटी छोटी बेटियों का इतना अपमान किया है, मैं तो शर्म आती है। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करें। और सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बचाएंगे कहाँ पढ़ाएंगे, जब आप लोग पढ़ती हुई बेटियों का उनकी बात नहीं सुन रहे, उनकी बात नहीं, बुरा हाल किया कर रखा है। रही जन आशीर्वाद यात्रा का क्या मकसद है, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को जन आशीर्वाद की? आप देखो यहाँ पे बुल्ला चिक्का में इतना बुरा हाल, बाजीगर के खिलाफ लोगों ने शव यात्रा तक निकाली गई है, जन रथ यात्रा में कैथल में लठ बजा इनका आपस में वर्करों का। काट थाना जो सोनीपत के पास है, कौन सा गांव है वो, काट थाना है क्या है, उसमें अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली। मेवात में मियां बीबी दो अपने उसके लिए मुख्यमंत्री ने मिलने से मना कर दिया, उनका वो कर दिया कि हम मिल नहीं रहे, वो रुक के मारते रहे। आप देखो क्या तराई तराई चारों तरफ मची हुई है, और बीजेपी अपने आप पीठ थपथपाती घूम रही है। 3 लाख रोजगार ऑटोमोबाइल और कपड़ा उद्योग से चले गए, धागा फैक्ट्रियां डेली बंद हो रही है। आज मैं ये कर रहा था नट बोल्ट की फैक्ट्रियों में, रोहतक में एक नट बोल्ट की फैक्ट्री है जिसमें 20,000 वर्कर काम करता है 3 शिफ्ट में, एक शिफ्ट बंद हो चुकी है, दूसरी बंद होने के कगार पे है। मारुति के उद्योग में जितने लोग काम करते, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज ताले लग गए उनको, आप काम की बात करते हो, ऑटोमोबाइल में ले लो कहीं भी ले लो। बेरोजगारी तो इस आलम तक है कि अभी लिस्ट लगी SDO की बिजली बोर्ड में, 80 बच्चे क्लियर दिखाए जिसमें 2 हरियाणा के और 78 बच्चे आउट ऑफ स्टेट के, जिसमें से 40 की अपॉइंट सिलेक्शन होना है, वो 40 जब ज्वाइनिंग करने आएंगे उसमें तो क्या पता हरियाणा वाले होंगे भी ना होंगे, ये तो आलम हरियाणा सरकार का है। क्या हमारे हरियाणा में बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं है क्या जो कि SDO बन सकें? इसमें बीजेपी सरकार नौकरियों में बिल्कुल कोई वो नहीं कर रही, धोखाधड़ी सरेआम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और आने वाले चुनाव में बैकवर्ड क्लास BCA और BCB दोनों के दोनों मिलके 42% वोट, 45% वोटर हरियाणा का BCA और B का, 32% BCA का और 15% BCB का, दोनों के दोनों कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। आने वाले लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 47% और 50% वोटों में MP बने थे, अगर ये 47% वोट निकल जाती हैं तो बीजेपी के पास सुनने पहले वाला हाल होगा, एक या दो सीट ही निकल पाएंगी। कहाँ 75 पार का नारा लगाते हैं, 75 पार नहीं 75 से बाहर हो जाएंगे। तनावपूर्ण जिंदगी को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए गए मेल राइफल कैप्सूल, इसके नाम से ही आप इसकी क्षमताओं का अंदाजा लगा सकते हैं। मेल राइफल कैप्सूल हर्बल प्रीमियम कैप्सूल का है जो आपको घंटों तक परफॉर्म करने के लिए एबिलिटी देते गए। मेल राइफल कैप्सूल आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने का एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन का, ये कैप्सूल पूरे प्राकृतिक तरीके से काम करता है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी हर कमी को दूर करता है। मेल राइफल कैप्सूल वो कैप्सूल है जो आपको इंस्टेंट
रिजल्ट देकर आपकी ऊर्जा में सुधार लाता है और आप ऊर्जावान रहते हो और अपनी सारी सुधा जीवन में भरपूर जीते हो। मेल राइफल का प्राइस है 5,000 रूपए, लेकिन यहाँ हम आपको दे रहे हैं 82% की छूट पर मात्र 899 रूपए में। आप इसे घर बैठे भी मंगवा सकते हैं सामने स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर करके, या फिर आप इसे हमारी साइट www.ayurvedichealthproduct.in पर भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर स्नैपडील से भी मंगवा सकते हैं। कैप्सूल सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है।